ज्यादा आसान केक, कस्टर्ड पाउडर का हम केक बनाएंगे। तो पहले इसका बैटर बना लेते हैं। तो सबसे पहले हम लेंगे यहाँ पे आधा कप यहाँ पे पिघला हुआ घी, आप यहाँ पे ऑयल भी ले सकते हो। आधा कप इसमें चीनी डालेंगे पीसी हुई, अच्छा सा मिक्स कर लीजिए। 5 मिनट अच्छे से मिक्स करना है इसको, क्रीमी क्रीमी होने तक। बिल्कुल आसान केक है, इसे हर कोई भी बना सकता है। मैंने इसकी आइसक्रीम भी बना के आपको दिखाई है कस्टर्ड पाउडर की, तो आज मैं आपको केक बना के बता रही हूँ। कस्टर्ड पाउडर बहुत ज़्यादा लाजवाब टेस्टी केक बनता है लेने का। यहाँ पे क्रीमी क्रीमी हो गया है, आप यहाँ पे दे सकते हो, अच्छा सा मिक्स हो चुका है। तो इसमें ड्राई इंग्रेडिएंट्स मिक्स करेंगे, स्टील की छन्नी रखेंगे इसके ऊपर। 1 कप मैदा डालेंगे, 240 ग्राम है। मैदे को आपको छान के लेना है। डालेंगे 1/2 कप यहाँ पे कस्टर्ड पाउडर, ये वलेना का कस्टर्ड पाउडर है जिससे हमने आइसक्रीम बनाई थी, आपको पिछली वीडियो में दिखाया था। इसको छान लेंगे, मिक्स कर लेंगे। यहाँ पे हमने अच्छा से मिक्स कर लिया है। इसके अंदर डालेंगे हम 1 चम्मच यहाँ बेकिंग पाउडर, 1.5 चम्मच हमने बेकिंग पाउडर डाला इसमें। और 1 कप यहाँ पे दूध लिया है, ठंडा दूध लेना आपको, गर्म दूध नहीं लेना है। यहाँ पे थोड़ा थोड़ा करके अच्छे से मिक्स कर लीजिए इसे, कर लीजिए इसको, इसमें गुठली नहीं पड़नी चाहिए। तो आप यहाँ दे सकते हो, मेरे 1 से 2 चम्मच दूध और बच गया, इसमें डाल देंगे। और यहाँ पे 1 कप दूध लग चुका है हमारा, तो अच्छा सा मिक्स कर लीजिए। देख सकते, अच्छा सा मिक्स हो चुका है हमारा, ये देखिए इस तरह का होना चाहिए, रेबिंग की तरह गिर रहा है, तो ये हमारा परफेक्ट हो चुका है। चलिए इसमें चेरी ऐड कर लेते हैं हम। यहाँ पे ली मैंने 2 चम्मच चेरी, इसके अंदर मैदा ऐड कर, इसके अंदर डालेंगे हम 1 चम्मच यहाँ पे मैदा। इसको अच्छे से मिक्स कर लीजिए, इसको अच्छे से मिक्स कर लिया हमने यहाँ पे, आप देख सकते हो अच्छा सा मिक्स हो चुका है। साइड पे रखते हैं इसे, ये बटर भी हमारा यहाँ पे रेडी है। चलिए केक टेन में ले लेते हैं। इसके अंदर हम चेरी को ऐड कर लेंगे जो हमने मैदे में मिक्स कर रखी है, मिक्स कर लेंगे इसे। इसमें मिक्स करने से क्या होता है, केक के नीचे बैठती नहीं है, चेरी अंदर ही रहती है और इससे केक अच्छा बनता है। इसलिए आप कभी बनाओ तो मैदे में चेरी को मिक्स करके फिर बनाना। यहाँ पे अच्छे से मिक्स हो चुका है ये। 1/4 यहाँ पे हम डालेंगे मीठा सोडा, इसको थोड़ा दूध डालेंगे एक्टिवेट होने के लिए। अब 1 डैश में घुमाते रहिए इसे, इसको केक टेन में ले लेंगे हम। अच्छा सा मिक्स हो चुका है, चलिए साइड में रखते हैं इसे। जिसमें हमने घी से गार्निशिंग कर रखा है, नीचे हमने बटर पेपर को घी से लगा रखा है, बटर पेपर बिछा रखा है, ऊपर से घी से गार्निशिंग कर, बटर को इसके अंदर निकाल लेंगे सभी को। सभी को यहाँ पे मैं निकाल लिया, आप यहाँ पे दे सकते हो। 5 से 6 बजे टेप टेप कर देंगे इसे, एयर बबल दूध इसमें निकल जाएंगे। गैस को हमने तवा रखा, अच्छे से गर्म हो चुका है, 10 मिनट हो चुके हैं, तो चलिए गैस की तरफ चलते हैं। यहाँ पे हमारा तवा रिस्टेन अच्छे से गर्म हो चुका है, तो सबसे पहले हम तपेली को यहाँ से हटा देंगे। तो अच्छा सा गर्म हो चुका है, 10 मिनट हो चुके हैं यहाँ पे, तो हम केक टेन रखेंगे। इसके ऊपर से डालेंगे थोड़ी सी टूटी फूटी, जिससे हमारा केक बहुत ज़्यादा लाजवाब टेस्टी लगेगा और ऊपर से देखने से बहुत ही सुंदर लगेगा। देख लीजिए, आपको पास से दिखा देती हूँ कितना सुंदर लग रहा है हमारा केक। टूटी फूटी डाल दिए, फिर से ढक्कन को हम ढक देंगे। 30 से 45 मिनट के बीच में हम देखते हैं कि हमारा केक कैसे बना है। यहाँ पे हमारा 30 से 40 मिनट हो चुके हैं, तो चलिए हम केक को चेक कर लेते हैं। केक हमारे यहाँ पे अच्छे से फूल चुका है, आप यहाँ पे देख सकते हो कितना अच्छी तरह से फूल चुका है, तो हमको चेक कर लेते हैं। और बिल्कुल प्यारा कलर आया है, तो बिल्कुल सेंटर में बीच में सो केक रखना है चक्कू को। ये हल्का सा गिलगिला लग रहा है हमें, यहाँ पे देख सकते हो आप साइड में, यहाँ पे भी है। तो हम थोड़ी देर और रखेंगे इसे, 10 मिनट तक, बाद में चेक करते हैं हमारा केक कैसा बना है। हम तपेली को ढकेंगे, 10 मिनट के बाद देखते हैं हमारा केक कैसा बना है। चलिए हम केक को चेक कर लेते हैं। पहले हमने हल्का सा कच्चा था, इसलिए 10 मिनट और रखा था इसे। और गैस का फ्लेम आपको लो रख के ही पकाना है, ताकि अच्छा बनता है, चाबिन रहता है। तो चलिए हम तपेली को हटा देते हैं। प्यारा कलर आया है, बिल्कुल येलो कलर आया है। आपको चेक करके बता देती हूँ हमारा केक कैसा बना है। सेंटर में रखना है आपको, बीच में ही इसको लगाना है। ये देखिए चक्कू बिल्कुल साफ निकला है, साइड में भी देख लेते हैं। ये देखिए बिल्कुल साफ चक्कू है, साफ चक्कू होता है तभी परफेक्ट हमारा केक यहाँ बनता है। तो हमारे यहाँ पे परफेक्ट केक बन चुका है। तो यहाँ पे हम गैस का फ्लेम बंद कर देंगे और इसको ठंडा होने के लिए छोड़ देंगे। केक अच्छे से ठंडा हो चुका है, तो चलिए इसे प्लेट के अंदर निकाल लेते हैं हम। प्लेट को इसके ऊपर रखेंगे, टेप टेप करना है। केक बड़ी आसान तरीके से निकल जाता है। ये देखिए केक टेन यहाँ पे बिल्कुल क्लीन है,
बिल्कुल भी नहीं जला यहाँ पे केक। इसके ऊपर से बटर पेपर को हटा देंगे। देखिए हमारा केक कितना अच्छा बना है, उसकी थिकनेस देख सकते हो, बिल्कुल फुला फुला सॉफ्ट केक है। तो आपको ये कट करके भी दिखा देती हूँ हमारा केक कैसा बना है। अच्छा केक बना है, ये देखिए जाले दे सकते हो अंदर से, और जो हमने चेरी डाली थी कितनी, कितना सॉफ्ट केक है ये देखिए, वो खाने में बिल्कुल लाजवाब केक है। अगर आपको मेरे केक की रेसिपी अच्छी लगी तो मेरी वीडियो को लाइक करना, नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलती हूँ आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।